हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, टाइटल से तो आपने पढ़ ही लिया होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल फेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस ऑन कैट्रीज। अगर आपको पता नहीं है तो कैट्रीज एक जर्मन मेकअप ब्रांड है और यूएई में आपको कैट्रीज के प्रोडक्ट्स आसानी से सेंटर पॉइंट में मिल जाएंगे। और हाँ, ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है किसी भी तरीके से। ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद ही खरीदे हैं खुद के पैसे। तो पहला प्रोडक्ट मैंने आज ये यूज़ किया है, ये कुछ ऐसा दिखता है। इट इज़ कैट्रीज टिंटेड लिप ऑयल ग्लॉस एंड ग्लो और ये बहुत ही अच्छा शेड है। गॉसिप गर्ल 040 इज व्हाट आई हैड पिक्ड और इसकी पैकेजिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। पिंक इज माय फेवरेट कलर, सो आई पिक दिस वन अप। इसमें और भी शेड्स थे पर ये पिंक कलर। टिंटेड लिप ऑयल्स ना बस ट्यूब में ही कलरफुल दिखते हैं, मेरे लिप्स पर एटलीस्ट वैसे ट्रांसलेट नहीं होते हैं। तो मैंने जब इसे अपने लिप्स पे अप्लाई किया, ये पूरी तरह से क्लियर था जब मेरे लिप्स मैंने इसे अप्लाई किया। और धीरे धीरे जब मैं अपना मेकअप करने लगी तो इसने मेरे लिप पे एक पिंक टिंच देना शुरू किया एंड फाइनली आई कुड सी द फाइनल पिंक कलर दैट दिस हैज गॉट इन द ट्यूब। सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने इसे खरीदा और ये लिप चेंजिंग pH changing lip oil है। I quite like the way it glided on। बहुत अच्छा लगा मुझे इसका जो formulation है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था मेरे lips पे। It was feeling so juicy, glossy और ये ना gloss की तरह मैं ऐसे नहीं mark करूँगी। Again it's a good hybrid of gloss and lip oil। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, ये NYX के जैसा नहीं है। NYX जो है वो gloss की तरफ leaning है। Of course it's a really good gloss, not a good lip oil। और मैं अभी NYX का lip oil, फैट लिप ऑयल खत्म करने वाली हूँ एंड आई थिंक आई विल गिव दिस वन अ गो एंड आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस फर्दर। क्वाइट लाइक द पैकेजिंग एंड द शेड। एल्फ का हेलो ग्लो या आपने शार्लेट अर्बी का हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर करके जो लिक्विड इल्यूमिनेटर्स हैं उनके बारे में अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कंपेयर किए जाते हैं, काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं वो। और मैंने खरीदा सॉफ्ट ग्लैम फिल्टर फ्लूइड ग्लो बूस्टर, 30 ml का बॉटल है दिस वन इन द शेड 020 लाइट मीडियम। ये ना वैसा ही है जो कॉन्सेप्ट है शार्लेट अर्बी का या एल्फ का, ये वैसा ही है। और ये पैकेजिंग आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि एल्फ का है ये प्रोडक्ट। एनी वे, सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। शेड रेंज एटलीस्ट दुकान पे डिसेंट ही थे, डीपर शेड्स जो थे वो मुझे एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखे डिस्प्ले पे। दिस इज व्हाट आई पिक। आई क्वाइट लाइक द शेड लाइट मीडियम। आई हैव टू से एल्फ वाला जो है वो मुझे थोड़ा सा कवरेज देता है और ये जो है काफ़ी शियर है। डेफिनेटली ये शेयर है अगर आप इसे एल्फ से कंपेयर करोगे। पर हाँ, ग्लो अगर आपको चाहिए तो बहुत अच्छा ग्लो इफेक्ट देता है। ग्लो फ्रॉम विद इन इज व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। मुझे किसी भी तरीके की कंप्लेन नहीं है क्योंकि इसमें अगेन कोई फाइन शिमर नहीं दिख रहा है, बहुत ही फाइनली मेल्ट है ये और अच्छा लिक्विड फॉर्मुलेशन है। आई डोंट सी एनी इशू विद द प्रोडक्ट पर से, क्योंकि मैंने इसे जब अप्लाई किया था और फिर मैं अपना जब मेकअप करती रही, आई कुड सी द ग्लो पीकिंग थ्रू माई फाउंडेशन एज वेल। सो इन दैट वे आई कैन से इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट एंड आई कीप यूजिंग इट। आज तो मैंने पहली बार इसे यूज़ किया है एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस वन। मूविंग ऑन, मैंने आज ये सीरम फाउंडेशन यूज़ किया है। ये है कैट्रीज का HD लिक्विड कवरेज फाउंडेशन, 24 hours तक लास्ट करेगा। मैटिफाइंग वाटर स्वेट प्रूफ सेकेंड स्किन इफेक्ट 30 ml। जब ये मैटिफाइंग इफेक्ट दे रहा है, वाटर स्वेट प्रूफ है और सेकेंड स्किन इफेक्ट दे रहा है, ओ माई गॉड, आई डोंट नो वट इवन आई शेल से। ये सारी चीज़ें मेरे स्किन के लिए ट्रूली स्पीकिंग पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूँ, आई डोंट थिंक सो दैट आई शुड हैव पिक दिस फाउंडेशन अप। पर ये वेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रचलित फाउंडेशन है और मैंने सोचा चलो इसे खरीद के देख लेते हैं और प्रॉबेबली ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए ये अच्छा रिकमेंडेशन हो सकता है। सो आई जस्ट पिक दिस वन अप। द ड्रॉपर इज प्रेटी मच फंक्शनल। ड्रॉपर के साथ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आप देख सकते हो कितने आराम से ये प्रोडक्ट पिक कर रहा है। एंड द शेड दैट आई हैव गॉट इज वॉर्म बेज, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और मैंने इसे अपने स्किन पे बहुत ही संभल के अप्लाई किया था बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू हैव दैट एक्सट्रीम मैट इफेक्ट ऑन माय स्किन बिकॉज आई हैव गॉट ड्राई स्किन टाइप। बहुत संभल के मैंने इसे अप्लाई किया एंड द गुड थिंग इज इसने मेरे स्किन को एक्सट्रीम लेवल पे मैटिफाई नहीं किया। ऐसा कोई हैवीनेस मुझे फील नहीं हो रहा है और मैंने इसे जब अप्लाई किया सो आई कुड अचीव मीडियम कवरेज। आई वॉज स्केप्टिकल कि ये और ज़्यादा मैटिफाइंग सा इफेक्ट देगा क्योंकि इसमें मैटिफाइंग लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने कम ही लगाया और मैंने सोचा कि और लगाऊंगी तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, सो आई शुड स्टॉप। आई बिल्ट इट अप टिल मीडियम कवरेज और मुझे लगा कि इतना सफिशियंट है मेरे लिए। मैंने अपने स्किन पे लगाया, फेस और नेक पे, एंड एज यू कैन सी इट्स प्रेटी मच लुकिंग लाइक माई स्किन बट बेटर।
इट इज जस्ट दैट नेक्स्ट टाइम मैं एक और हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाऊंगी और पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा मेरे यहाँ जो पोर्स है ना बड़े वाले उसमें सिंक होता हुआ दिख रहा है. अदरवाइज इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट एंड आई एम अमेज्ड कि ये मैटिफाइंग इफेक्ट होते हुए भी इसका एक्सट्रीम लेवल का अनकंफर्टेबल फीलिंग मुझे नहीं आ रहा है एंड इट इज अ गुड फाउंडेशन फॉर ड्राई स्किन टाइप एज वेल. मूविंग ऑन, कैटरीज का ये कंसीलर ट्रू स्किन हाई कवरेज कंसीलर हेलोरोनिक एसिड एंड वाटर प्रूफ 18 आवर हाइड्रेटिंग कंसीलर जो है ये भी काफी पॉपुलर है. इसका जो एक्चुअल फाउंडेशन है वो फाउंडेशन मेरे कलेक्शन में है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग स्टोर फाउंडेशन दैट यू विल गेट, क्योंकि वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ, पर जस्ट सो यू नो इट्स अ रियली गुड फाउंडेशन और बहुत अच्छा सॉफ्ट मैट येट फुल कवरेज फाउंडेशन है वो ड्राई स्किन टाइप के लिए. सो आई थॉट ओके फाइन आई पिक दिस वन अप. आई डोंट रिमेंबर यूजिंग इट एवर. और दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. और जो शेड है वो है कूल कैशमेयर, नॉट माई शेड मैच. इट इज नॉट अ परफेक्ट शेड मैच, इट्स अ हाईलाइटिंग कंसीलर. क्योंकि शॉप पे ही मेरा जो शेड है वो मुझे दिखा ही नहीं बिकॉज इट वॉज नॉट अवेलेबल एंड आई हैड बीन यू नो चेकिंग इट आउट एंड फाइनली आई वाज लाइक चलो फॉर्मूला ट्राई कर लेंगे. जो एप्लीकेटर है टीयर ड्रॉप एप्लीकेटर है कुछ ऐसा दिखता है, सफिशियंट प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा. लेट मी स्वॉच इट फॉर यू. सो दिस इज द शेड. कहीं से भी मेरे स्किन टोन को मैच नहीं कर रहा है, काफी हाइलाइटिंग इफेक्ट देता है. आई मस्ट से मैंने इसे अप्लाई किया तो ये बहुत अच्छा सीरम लाइक लगा मुझे, इजी टू ब्लेंड था एंड आई लव द वे इट वॉज यू नो लुकिंग लाइक ऑन माई स्किन. और इसे मैंने जब अप्लाई किया मुझे किसी भी तरीके का स्ट्रीकीनेस नजर नहीं आया या मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई इतना दिक्कत हो रहा है मुझे इसे ब्लेंड करने में, नथिंग लाइक दैट. सो दैट इज अ रियली गुड थिंग एज फार एज दिस कंसीलर इज कंसर्न. आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस कंसीलर और ये काफी हाइड्रेटिंग कंसीलर है और कहीं पर भी स्किप भी नहीं हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे अंडर आइज पे. आप क्लोजअप में देखना आपको समझ आएगा. मूविंग ऑन, कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने ये प्रेस्ड ट्रांसपेरेंट पाउडर यूज किया है. इस पे लिखा भी है कैटरीज कॉस्मेटिक्स प्राइम एंड फाइन मैटिफाइंग पाउडर वाटरप्रूफ ट्रांसपेरेंट. तो मैंने जब कंसीलर अप्लाई किया कैटरीज का वो बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग था तो वो काफी शाइनी था. मैंने उसे सेटल करने के लिए इस पाउडर को यूज किया. इट्स अ रियली फाइनली मिल्ड पाउडर एंड आई डिड नॉट सी एनी काइंड ऑफ वाइट कास्ट. बात बस ये हुई कि मेरा जो कंसीलर है इसके ऊपर जब मैंने इसे अप्लाई किया आई कुड सी अ काइंड ऑफ ग्रे कास्ट समहाउ. आई डोंट नो प्रॉब्ली दिस कॉम्बिनेशन डिड नॉट वर्क फॉर माय स्किन एंड मैंने फिर काफ़ी इसे लेयर किया एंड अल्टीमेटली माय कंसीलर जस्ट सैंक इनटू माय फाइन लाइंस एंड माय अंडर आईज आर लुकिंग हिडियस पीरियड. क्लोजअप देखना आपको समझ आएगा. अगर आप मुझे कहोगे कि ये कंसीलर और ये वाला मैटिफाइंग पाउडर में अप्लाई करके बाहर निकल जाऊं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज इट्स नॉट अ रियली गुड कॉम्बिनेशन दैट आई केम अक्रॉस. सो नेक्स्ट टाइम इस पाउडर को बहुत संभल के मुझे यूज करना पड़ेगा. ये जो पाउडर है यस ये जो शाइनी अगर आपका फेस हो जाता है तो उसको आप मैटिफाई कर सकते हो. उसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये वाला जो स्माइल लाइन है मेरा काफी शाइनी हो जाता है तो उसको मैंने मैटिफाई किया था इस पाउडर को यूज करके. इट वर्क बट नॉट अंडर माई आईज. नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू अवॉइड इन फ्यूचर फॉर श्योर. मैंने अपने आईब्रोज को डिफाइन किया. मैंने यूज किया आईब्रो स्टाइलिस्ट वाटर प्रूफ 025 वेरियंट में बाय कैटरीज. दिस इज हाउ द आईब्रो पेंसिल लुक्स लाइक. मुझे लगा था ये टेढ़ा है. अब मुझे पता नहीं असली में ये टेढ़ा ही बेचते हैं ये टेढ़ा हो गया है, पर मेरे पास इसी तरह है. और जब मैंने इसे खरीदा था तो उसका अगर कोई कैप आता तो वो कैप नहीं था. शेड मुझे मिल गया था तो मैंने पिक कर लिया था. सो आई found this shade to be you know appropriate for my skin tone. Just look at the strokes that I drew. So मुझे लगता है ये shade बहुत सही रहा, easy था. मुझे ये product अच्छा लगा क्योंकि मैं इसे अपने eyebrows को fill करने के लिए आराम से use कर पाई. ऐसा मुझे tug pull जैसा नहीं लगा. It is stiff enough for an eyebrow pencil. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. स्कूली से भी मैं बहुत अच्छे से अपने eyebrow hair को comb कर पाई. So I did not find any issue with this eyebrow pencil. Moving on, Catrice का ये eyeshadow palette कुछ ऐसा दिखता है और इसका जो swatch है वो already मैं अपने शॉर्ट्स फील्ड पे आपको दिखा चुकी हूँ. फुल पैलेट का स्वॉच कैटरीज ब्यूटीफुल यू करके है और इसमें ना मिरर भी आता है. आई कैन ब्लाइंड यू. सो तो जो कलर स्टोरी है वो कुछ ऐसी दिखती है. मुझे ना सिग्मा के एक पैलेट की याद दिलाता है. ये सिग्मा के पास भी ऐसा ही कुछ सिमिलर पैलेट है. नो प्रॉब्लम. ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो शेड्स हैं मीडियम स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करेंगे. जस्ट लुक एट द शेड्स एंड द मेटालिक आई शेडोज ओवर देयर एंड द मैट आई शेडोज आर गुड एनफ टू. व्हाट आई डिड, मैंने आज इस टेराकोटा ऑरेंज शेड को यूज़ किया और अपने पूरे क्रीज पे अप्लाई किया, आउटर वी पे अप्लाई किया. और फिर मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़ा पिंकी लुक करूँगी तो मैंने ये मेटालिक आई शेडो यूज़ किया. और ये थोड़ा सा चौकी है पर ये शेड चौकी है, ये चौकी नहीं लगा मुझे. ये दोनों शेड्स यूज़ करके मैंने अपना आई लुक क्रिएट किया है.
दीज आर द टू शेड्स दैट आई यूज. कैटरीज का ये जो आई शेडो पैलेट है मुझे बहुत अच्छा लगा. फॉर द अमाउंट दैट यू आर पेइंग यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी आई शेडोज. यू कांट एक्सपेक्ट इट टू बी बिजुए बाय विजार्ड, पर ये जितना पैसा दे रहे हो उस हिसाब से पूरा पैसा वसूल पैलेट है. यू कैन यूज दिस, क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी और जितने भी आई शेडोज आज मैंने यूज किए हैं मुझे अच्छे लगे. मेरा जो आई लुक है मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है. इट इज जस्ट दैट इट्स नॉट एक्सट्रीमली मेटालिक, सो समटाइम्स इट इज अ गुड थिंग क्योंकि वो आपके क्रीज पे सिंक नहीं होगा. ओवरऑल इसका जो फिनिश है वो मोर लेस सैटिन फिनिश लगा मुझे. फिर ये बात भी जरूर से बताना चाहूंगी, आप पैसे भी उतने ही डाल रहे हो, आप विजार्ड की क्वालिटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट इट इज अ रियली गुड पैलेट. अगर आप खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो. आई शेडो लगाने के बाद मैंने ये दोनों आई प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, एक है लिक्विड लाइनर एक है कोल पेंसिल. लेट मी टॉक अबाउट द लाइनर फर्स्ट. दिस इज द कैटरीज कॉस्मेटिक्स लिक्विड लाइनर डेटिंग जो ब्लैक 010. दिस इज द शेड दैट आई हैव गॉट एंड आई मस्ट से आई लव दिस. इसका जो एप्लीकेटर है वो एक्सट्रीमली स्टिफ नहीं है. इट इज सो गुड, वेरी इजी टू वर्क विथ. एंड सबसे अच्छी बात है कि इसका जो फिनिश है वो मैट फिनिश है. अगर आपको मैट फिनिश वाले आई लाइनर्स पसंद है देन गो फॉर इट. बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं हुई, मेरे विंग लाइन को मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाई. टीनी टाइनी ही बनाया पर बहुत बढ़िया लगा मुझे इसे यूज़ करके. ईजी टू यूज़ है, बिगनर फ्रेंडली है और अभी तक क्रैक भी नहीं हुआ है. मुझे बहुत बढ़िया लगा. अगर आपको चेक करना है और आप सोच रहे थे कि इसे खरीदूँ ना खरीदूँ, तो हाँ आप डेफिनेटली इसे खरीद सकते हो. मूविंग ऑन, मैंने ये जो कैटरीज का मेड टू स्टे इनसाइड आई कोल काजल इन द शेड कम बैक एंड स्टे ये शेड पिक किया था और आज ही इसे ओपन किया आपके सामने. आप क्लोजअप में देख लेना, मैंने इसे यहाँ स्वॉच कर रखा है. इट इज वेरी स्टिफ फॉर सम रीजन. इट वॉज नॉट द बेस्ट वन दैट आई हैव कम अक्रॉस एंड इट वॉज नॉट ईजी टू यूज. मुझे लिटरली घिसना पड़ा इसे अपने वाटर लाइन पे टू गेट सम कलर आउट ऑफ इट. आई एम डिसअपॉइंटेड, प्रॉब्ली आई विल चेक एट स्टोर नेक्स्ट टाइम. मैंने आज ये मस्कारा यूज किया है और ये है कैटरीज का मैक्सेट मस्कारा वॉल्यूम एंड लेंथ मस्कारा. आई लव अ गुड वॉल्यूमाइजिंग एंड लेंथिंग मस्कारा. मेरे पास अभी फिलहाल मेरा जो फेवरेट चल रहा है वो हुडा ब्यूटी का वन कोट वाव मस्कारा चल रहा है, वो काफ़ी अच्छा है और मैं इसे खरीद के लाई थी और मैं सोचा था इसे मैं यूज़ करूँगी. आई लव द वॉन्ड, आई कुड यूज़ इट ऑन माई लैशेज. इसने ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा कि इसका वॉन्ड मैं एकदम अपने आंखों में मार लूंगी, पोक कर लूंगी, तो दैट इज अ गुड थिंग. आई वुड से इट्स अ डिसेंट मस्कारा, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट ग्रेट, क्योंकि मुझे काफ़ी बार इसे अपने लैशेस पे रन करना पड़ा टू गेट वॉल्यूम ओवर देयर और हल्का सा लेंथिंग इफेक्ट भी, क्योंकि मेरी जो लैशेज हैं वो स्ट्रेट रहती हैं. कर्ल कर लूँ मैं कुछ भी कर लूँ और उसके ऊपर मस्कारा लगाऊँ, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट वॉल्यूम. इट्स अ डिसेंट मस्कारा, आई विल यूज इट. मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए, दैट इज अ रियली गुड थिंग कि इससे कुछ किया ही ना हो. मीडियम लेवल का इसने इफेक्ट दिखाया है, थोड़ा सा वॉल्यूमाइज भी किया, थोड़ा सा लेंथिंग इफेक्ट भी दिया है. गोइंग ऑन टू दिस ब्लश स्टिक, तो कैटरीज ने ये ब्लशर्स निकाले थे, काफी समय हो गया है और ये तीन वेरियंट में आता है. एक पीच है, एक थोड़ा ऑरेंजी टोन है और एक ये है. एंड आई लव अ पिंक ब्लशर. आई एम इन माई ब्लश एरा. आई हैव बीन ट्राइंग एवरी अदर ब्लशर under the sun, let me tell you that. तो ये blush stick मैंने खरीदा है. I love this color. Techno pink is the shade name and the blush looks stunning. It is very pigmented for a blusher, just the way I like. मुझे इसको यूज करके ना nude sticks के एक blusher की याद आती है because इसका जो formulation है it is just like that. So I love the formulation of this one. बहुत अच्छे से मैंने इसे swipe किया अपने face पे और अच्छे से finger की मदद से ही blend कर लिया और मेरा foundation जो है वो भी move नहीं हुआ और ये product भी बहुत अच्छे से melt हो गया मेरे skin पे. So I am so happy with this one. It is totally worth checking out. Next up है मेरा makeup set करना. मैंने इसे use किया है. It has been marketed as a fixing spray, not as a setting spray. Just like Max Fix Plus, okay? तो कैटरीज का प्राइम एंड फाइन मल्टी टैलेंट फिक्सिंग स्प्रे लॉन्ग लास्टिंग प्रिपेयर स्किन सेट्स एंड रिफ्रेशेस 50 ml का ये बॉटल है. सच कहूँ ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लगा मुझे. आई फील सो गुड आफ्टर अप्लाइंग इट. तो अभी आपके सामने बैठने से पहले ही मैं दो बार इसे स्प्रे कर चुकी हूँ एंड आई लव इट. आई लव द वे इट यू नो गेट्स पम्प्ड आउट. इसका जो स्प्रेयर है वो भी बहुत सही है एंड द बॉटल लुक समथिंग लाइक दिस. स्प्रे इज सो गुड, बहुत अच्छे से स्किन पे ये बैठता है जो प्रोडक्ट ये पंप आउट करता है. आई जस्ट लव इट एंड यस इट हैज़ गॉट अ बिट ऑफ फ्रेग्रेंस जो कि काफ़ी सही लगा मुझे. इतना एक्सट्रीमली बॉदरसम नहीं है पर अगर आपको आपके मेकअप में फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है देन यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम परचेजिंग दिस. अदरवाइज आई डू फील दैट इट मेड मी फील गुड, रिफ्रेशेंड अप और मेकअप में जान डाली है इसने. बिकॉज जैसे मैंने कहा आपको, मैं कंसीलर लगा रही थी, फिर मैटिफाइंग पाउडर लगा रही थी और पूरा मेकअप मुझे एकदम
ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे अंडर आईज के साथ, बट देन आई जस्ट स्प्रेड दिस ऑल ओवर माई फेस एंड इट जस्ट ब्राइटन्ड अप द होल मेकअप लुक. आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट. तो मैं अक्सर ब्लश लगाने के बाद, अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ. आज मेरे पास ये डिज्नी का जो हाइलाइटर है कट्रीज के साथ कोलैबोरेशन वाला लिक्विड हाइलाइटर, ये है, ये डिज्नी विलन्स क्रुएला लिक्विड हाइलाइटर है बाय कट्रीज. 15 ml का ट्यूब है. ऐसा प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, शादी तलबी ने शुरू किया था आई बिलीव, डेंटार्ट के पास है, मेनी अदर एल्फ हैज गॉट, फॉर दैट मैटर आई हैव गॉट एल्फ हाइलाइटर एंड आई डोंट लाइक इट दैट मच. इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट और मैंने आज इसे यूज़ किया पहली बार एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड आपको ऐसे पुल करना है और ऐसे ट्विस्ट करना है और ये प्रोडक्ट मैं आपको प्रेस करके निकालना है. मैंने ऑलरेडी प्रेस कर रखा था तो ये निकला हुआ है. लेट मी स्वॉच दिस प्रोडक्ट फॉर यू. सो द हाइलाइटर शेड इज रोज गोल्ड, काइंड ऑफ जस्ट द वे आई लाइक, आई लव इट. वाओ, जस्ट लुक एट दैट शेड, जस्ट लुक एट दैट. वाओ, इट्स सच अ ब्लाइंडिंग हाइलाइटर. और आज मैंने इसे यूज किया है, डिसेंट क्वांटिटी लगाई अपने चीक्स पे एंड यू कैन सी द शीन. मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि किसी तरीके का शिमर पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ है. एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग सो गुड एंड स्मूथ ऑन माई स्किन. आई डू हैव टेक्सचर हियर बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्ने मार्क इन दिस एरिया, पर फिर भी मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ से सनलाइट आ रही है तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिखेगा, तो मैं यहाँ पे ही दिखा देती हूँ. जस्ट लुक एट दैट शीन एंड आई लव दिस हाइलाइटर. इट इज़ रियली गुड एंड ये बहुत अच्छा है. ये ज़्यादा जो पिंक टिंज है इसका मेरे स्किन पे मुझे ज़्यादा पता इसलिए भी नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैंने पिंक ब्लशर ही लगाया हुआ है. ओवरऑल कभी मैं ऐसे ऑन इट्स ओन भी यूज़ करूँगी अगर मैं अपने बेस स्किन पे, तो शायद मुझे हल्का सा पिंक कलर जो है वो दिखे, ना भी दिखे तो भी ठीक है. द ग्लो इज टू डाई फॉर, आई एम हैप्पी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लुक एट द पैकेजिंग ऑफ दिस लिप प्रोडक्ट. वाओ, इट्स सो गुड. सो दिस इज कैटरीज लिप प्रोडक्ट, अननोन डेजर्ट करके वेरियंट है, लिमिटेड एडिशन वाइल्ड स्केप हाई शाइन लिपस्टिक पेन है ये. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड लेट मी स्वॉच दिस वन फॉर यू. इसमें आपको अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तीन वेरियंट्स मिलते हैं एंड आई गॉट दिस वन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट इज सो गुड. यू हैव टू क्लिक एंड देन आई डोंट थिंक सो दैट यू कैन पुट इट बैक. नो, एक बार क्लिक कर लिया तो वो प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा. सो बी केयरफुल वाइल डूइंग दैट. लुक एट द शाइन, ओ माई गॉड, इट्स अ रियली गुड एंड ट्रेंडी प्रोडक्ट फ्रॉम कट्रीज, बट इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ पिगमेंट. आई हैव गॉट फ्रॉम शी ग्लैम, उसमें ज्यादा पिगमेंट नहीं है. आई हैव गॉट फ्रॉम टार्ट, अगेन दैट हैज नॉट गॉट दैट मच ऑफ पिगमेंट, बट दिस इज रियली पिगमेंटेड. और यही मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई कर रखा है एंड खा भी चुकी हूँ बात करते करते. लेट मी अप्लाई सम मोर, बट आई रियली वॉन्टेड इट टू बी प्रिटी लेस, यू नो, क्योंकि मैं अपने आईज के साथ इसे न्यूट्रल ही रखना चाहती थी. ओवरऑल मुझे लगता है ये लिप प्रोडक्ट बहुत सही है एंड मेरी ड्राई लिप्स को सूट भी कर रहा है, कलर भी बहुत अच्छा है एंड स्टिकी भी नहीं है. सो आई लव इट टू. तो आज की वीडियो में मैं आपको ये पांच प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रही हूँ और ये पांचों प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे क्वालिटी वाइज भी, और इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा लगा. तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो. आज की वीडियो में जो प्रोडक्ट्स मुझे साथ में यूज करके मजा नहीं आया वो ये है. बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सही क्वालिटी के हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई एज सच. आई कैन यूज दोज प्रोडक्ट्स एंड प्रीटी हैप्पी दैट आई एम नॉट रियली वेस्टेड मनी. और अगर आप भी कट्रीज कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स को चेक करना चाहते हो यू में, तो आप जाकर चेक कर सकते हो. एंड अगर किसी प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं उस पर रिव्यू करूँ, तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर से बता देना. आज की वीडियो में सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा और आपको ऐसा लगा कि वो प्रोडक्ट आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपको लगा नहीं दैट्स नॉट माई टाइप, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताना. आई वुड लव टू नो दैट. प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको आज का ये मेकअप लुक कैसा लगा. क्या आपके लिए किसी तरह से ये इंस्पायरिंग था? आपको ऐसे मेकअप लुक्स अच्छे लगते हैं यानी, या आपका क्या टेक है इस मेकअप लुक को लेके, प्लीज कमेंट करके बताना. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट की डिटेल में डाल दूंगी, आप जाके वो चेक कर लेना. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.